कोटवार संघ ने अपनी 2 सूत्री मांग को लेकर प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ सरकार से कलेक्टर दर पर मानदेय और मालगुजारी भूमि दिए जाने की मांग की। कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के बैनर तले दुर्ग के मानस भवन के सामने बड़ी संख्या में कोटवारों ने प्रदर्शन किया। अपनी 2 सूत्री मांग कोटवारों को नियमित करते हुए राजस्व विभाग में संविलियन करने तथा मालगुजारी भूमि का मालिकाना हक देने की बात कही गई। हम बता दें कि कोटवार संघ के अध्यक्ष ने बताया है कि आज़ादी के पूर्व से कोटवार संघ के अध्यक्ष ने बताया कि आज़ादी के पहले कोटवार पीढ़ी दर पीढ़ी शासन की अंतिम कड़ी के रूप में ग्रामीण स्तर पर रहकर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, परंतु कोटवारों को आज तक नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल पाया है, जिसे आक्रोशित कोटवार संघ प्रदेश सरकार से चुनाव पूर्व घोषणा पत्र में किए गए उल्लेख पर पहल करते हुए कोटवारों के मिलने वाले हक को दिए जाने की मांग की। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। किसान को हमारे आंदोलन से बहुत फर्क पड़ेगा। हमारे जो जनसंख्या है प्रदेश के अंदर कोटवारों का 16,000 से 17,000 की जनसंख्या है, वो हमारा जनसंख्या है। उसके बाद हमारे परिवार का है, हमारे समाज का है। कोटवार लोग का एक ही समाज का नहीं है, 4-5-6 समाज के कोटवार हैं। यहाँ सतनामी समाज का है, चौहान समाज का है, मानिकपुरी का है और गंधर्व समाज का है। ये मतलब 5-6 समाज का है। उसमें सामाजिक स्तर पे भी शासन को फर्क पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि हम कोटवार लोग गांव के हैं, तो गांव के तो हमारा कम से कम एक एक कोटवार का तो 50 तो होगा, तो इससे शासन का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये शासन को सोचना चाहिए कोटवार को है। तो हम कोटवार निचले स्तर के सबसे नीचे कर्मचारी हैं, लेकिन जो शासन को नुकसान पहुँचाने वाला जो कार्य है वो हम लोगों का बहुत ज़्यादा है। कोटवार छत्तीसगढ़ कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ की ओर से प्रदेश व्यापी आज संभाग स्तर में धरना दिए हैं। हमारी 2 ही प्रमुख मांग है। हमारे प्रदेश के मुखिया प्रदेश के सम्मेलन में 23 फरवरी 2019 में यह घोषणा की थी, कोटवारों को 1950 के पूर्व जो छीनी भूमि हुई थी वो उसको वापस करेंगे, और कोटवारों को घोषणा पत्र में छापी थी कांग्रेस ने कि कोटवारों को नियमितीकरण किया जाएगा। परंतु अभी विधानसभा सत्र में हमको देखना झुंझुना पकड़ा दिया गया, मात्र मानदेय में वृद्धि की गई है, जिससे हम कोटवार नाखुश हैं और हम आगामी हमारी लड़ाई होगी। यदि हमारी मांग नहीं सुना जाता है तो हम लोग प्रदेश स्तर विधानसभा का घेराव करेंगे 26 मार्च के पहले। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।